नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता हथियाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का कद काफी बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में 2 सीटें जीतने के बाद बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती कांग्रेस की सरकार बनाने में किंग मेकर की भूमिका में दिखाई दे रही है। बसपा के कांग्रेस के साथ जाते ही एक सीट जीतने वाली समाजवादी पार्टी ने भी अपना उनके पाले में जा बैठी। समाजवादी पार्टी ने भी अपना जो सपोर्ट है वो उनको दे दिया है। राहुल गांधी के बढ़ते कदम को देखते हुए हाथी तो हाथ का साथी बन गया है, लेकिन ऐसे में साइकिल पर कौन सवार होगा ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में जनता ने राहुल और अखिलेश के साथ को नापसंद कर दिया था। 3 राज्यों के चुनाव नतीजों ने लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर तीसरे मोर्चे की रणनीति की दिशा को ही प्रभावित कर दिया है। ऐसे में क्या होगा तीसरे मोर्चे का भविष्य, ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजे तय करेंगे इस पर, लेकिन हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या संभावना है, तीसरा मोर्चा कैसे बनेगा, कौन कौन लोग होंगे इसमें, क्या चौथे मोर्चे भी कोई संभावना है, इन सब विषय पर हम चर्चा करेंगे। इनके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं पहले से ही लखनऊ में, लेकिन इस बीच हम सबसे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। रिपोर्ट देखने के बाद इस पर चर्चा करेंगे। पांच राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस ने वापसी की है। मध्य प्रदेश में 2 सीटें जीतने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वहीं सपा ने भी अपने एक विधायक का समर्थन कांग्रेस को देने की बात कही है। 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर एकजुट हुए विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक एक दिन पहले बैठक की। आंध्र प्रदेश के सीएम और तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा बुलाई गई बैठक में कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, एचडी देवगौड़ा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अहमद पटेल, अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे और गुलाम नबी आजाद ने शिरकत की। संसद भवन सौंध में हुई इस बैठक में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, भाकपा महासचिव एस सुधाकर रेड्डी, द्रमुक के अध्यक्ष एम के स्टालिन, राजद नेता तेजस्वी यादव, रालोद के अजित सिंह और लोकतांत्रिक जनता दल के नेता शरद यादव शामिल रहे। हालांकि इस बैठक में बसपा प्रमुख मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश नदारद रहे। लोकसभा चुनाव से पहले हाथ को मिला हाथी, अब कौन साइकिल का साथी, ऐसे में क्या होगा थर्ड फ्रंट का? सही गठबंधन बन रही है? मेरे ख्याल से सही बनेगी, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, आई एम श्योर। महागठबंधन के नेता राहुल गांधी होंगे ये हम नहीं कह सकते, उत्तर प्रदेश में तो नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। क्या होगा थर्ड फ्रंट का भविष्य, क्या बनेगा थर्ड फ्रंट, कैसे बनेगा, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, कौन कौन इससे छिटकेंगे, कौन दूसरे दल इसमें आएंगे, ये एक बड़ा सवाल हो गया है। ऐसे 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है, उससे थर्ड फ्रंट की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। लोगों को लगने लगा कि अगर मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा तो प्रधानमंत्री मोदी को हराया जा सकता है। अभी भी लोगों को लग रहा कि अभी भी जो प्रधानमंत्री मोदी का जादू है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम 3-5 राज्यों के चुनाव की बात करें, जहां जहां मोदी ने चुनाव प्रचार किया वहां पर वोट परसेंटेज काफी बढ़ा इन द सेंस, मतलब बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ, हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी चीज है, क्या थर्ड फ्रंट के अलावा एक और फ्रंट बनेगा, चौथा फ्रंट भी बनेगा, ये भी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि उसके भी काफी सारे लोग निकल के आ रहे हैं कि जो चौथे फ्रंट में होंगे, जो उसमें TRS के जो चीफ हैं के चंद्रशेखर राव, वो एक चौथा फ्रंट बनाते हुए नजर आ रहे हैं, ये एक बड़ी बात है, उसमें उन्होंने तमाम लोगों को शामिल किया है। क्या होगी पूरी तस्वीर, हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम आपका उनका पहले तारुफ करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता
अनीता अग्रवाल जी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस के राजपूत विशाल राजपूत जी जुड़ चुके हैं और प्रसपा के इरफान मलिक जुड़े हुए हैं, तो साथ में बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। चलिए, लगता है अभी कुछ तकनीकी दिक्कत है इसलिए आवाज वहां तक नहीं जा पा रही है। चलते दिलीप जी के पास में। दिलीप जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? लगता है अभी कुछ तकनीकी व्यवधान है जिसकी वजह से आवाज हमारी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे कि इस तकनीकी व्यवधान को दूर किया जाए। और इस बीच हम आपको बता दें कि जो मैं चौथे फ्रंट की बात कर रहा था, तो टीआरएस चीफ के चंद्रशेखर राव, उन्होंने चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में पूरी क्लीन स्वीप कर दिया है। और क्लीन स्वीप करने के साथ साथ में एक और अच्छी खबर बता दें, वहां पर 17 एमपी हैं। वहां पर ये जो चार पांच राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें हम पूरे बात करें तो तीन राज्यों में 65 सीटें हैं और 17 सीटें इधर तेलंगाना में हैं। इसके अलावा मिजोरम में भी कुछ सीटें, कुल मिलाकर 80 से 85 सीटें हैं यहाँ पर जो प्रभावित करती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, हम सीधे उनके पास में चलेंगे। हम सबसे पहले चलते हैं विशाल राजपूत जी के पास में। विशाल राजपूत जी, क्या होगा थर्ड फ्रंट का? आपने बैठक बुलाई थी, सोनिया गांधी जो चेयरपर्सन है यूपीए की, उन्होंने बैठक बुलाई थी जिसमें उत्तर प्रदेश के दोनों बड़े प्लेयर नदारद रहे। विशाल राजपूत जी, देखिए प्रदीप जी, जहां तक बैठक की बात है, मैं आपको बता दूं कि महागठबंधन का भविष्य क्या है वो आज कल आपको दिख गया होगा जी। जब बिना शर्त के बहन कुमारी मायावती जी और माननीय अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस को जो समर्थन दिया है, यही 2019 का बहुत बड़ा आगाज है कि हम लोग सब लोग मजबूती से इन फिरकापरस्त ताकतों के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी, बात पूरी करिए अपनी। जी विशाल जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, तो मैं आपको बता जी तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह बहुत सारी अटकने हैं थर्ड फ्रंट की, तो आप मैं खुद बताऊं कि चुनाव जो भविष्य का चुनाव है वो सच और झूठ के खिलाफ है और मात्र सिर्फ दो ही पार्टियों में है, एक है यूपीए, दूसरा है एनडीए। तो यूपीए के जो जिस तरह एनडीए के बहुत सारे साथी इनका साथ छोड़ के भागते जा रहे हैं, जैसे आपको दिख गया होगा, तो कहीं ना कहीं उनका भविष्य जो है वो तो वहां के लोग उनके साथ ही तय कर चुके हैं। और जहां तक आपको बताएं कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की बहुत मजबूत पक्षधर है और भविष्य में आने वाला समय ही देश का जो स्वर्णिम भविष्य होगा वो महागठबंधन ही तय करेगा। चलिए, महागठबंधन तय करेगा, लेकिन आपके जो घमंड की भाषा आ रही ना कि बिना कांग्रेस के कुछ नहीं होगा, आपको बिना मांगे समर्थन देना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप बार बार करते हैं कि घमंड नहीं करना चाहिए। इरफान मलिक जी के पास में चलते हैं। इरफान मलिक जी, आपको क्या लगता है कि ये जो गठबंधन का स्वरूप होगा कैसे बनेगा गठबंधन, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से बड़ी पार्टी उभर के निकली है राहुल गांधी के नेतृत्व में, अब क्या राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर पाएंगे ये सपा और बसपा और आप लोग? देखिए प्रदीप जी, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अभी आपने देखा होगा जो रिजल्ट मध्य प्रदेश का देखा और जगह का देखा, इसमें अगर सपा और बसपा चुनाव न लड़ी होती और इनका गोंगोपा जो है अगर ये चुनाव न लड़े होते तो कम से कम 100 सीट कांग्रेस की मतलब का नुकसान किया है। आप आंकड़े देख लीजिए, तमाम जगह ऐसे जहां जहां पे सपा के 10,000 वोट पा गए हैं, बसपा के 15,000 वोट पा गए हैं, कांग्रेस 6,000-7,000 वोट से चुनाव हार गई है, इस तरह से आप देख लीजिए। तो इनका असल में गठबंधन क्यों नहीं हो रहा, महागठबंधन क्यों नहीं बन रहा है, अभी तो इसी का पे संशय बना हुआ है जी। चलिए, क्यों दिक्कत यही पर है कि ना कौन किसको, क्योंकि कांग्रेस के साथ है उत्तर प्रदेश में जो अभी तक यह है बसपा नहीं जाना चाह रही है और ना कोई, क्योंकि ये जितने सीट की डिमांड कर रहे हैं उतनी सीट ही नहीं, लेकिन महागठबंधन बनना चाहिए, ये अपनी जगह पे है लेकिन बन क्यों नहीं रहा? बिल्कुल बनना चाहिए लेकिन बन नहीं रहा, ये बड़ी देर हो रही है। जी जी, बनना चाहिए था जी। चलिए, हम अनीता जी के पास। अनीता जी,
आप सवाल है, चलिए किसका डर है, क्यों नहीं बन रहा है? ठीक है ठीक है भाई इरफान जी, आपकी बात है कि अनीता जी क्या लगता है कि कोई गठबंधन बन पाएगा क्या, मोदी जी के आगे कोई खड़ा हो पाएगा, गठबंधन बनेगा कोई? देखिए प्रदीप जी, ये लोग गठबंधन बनाए या कुछ भी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने काम किया है, हमने विकास किया है, हमने अपनी योजनाओं को लाए हैं, जमीन पे लाए हैं, हम अपने हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। और बाकी नहीं गठबंधन की बात इनके, आप ये देखिए सब लोग अपने अपने को कम ही कर रहे हैं। अगर यहाँ गठबंधन करेंगे तो कांग्रेस अपनी सीटों को कम करेगी, समाजवादी करेंगे तो वो अपनी सीटों को कम करेगी, बहुजन करेंगे वो अपनी सीटों को कम करेगी, तो ये लोग कम कर करके ही चल रहे हैं। और हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, गठबंधन बने या इनका ठगबंधन बने, इससे हमें कोई लेना देना, हम अपने कार्य में लगे हैं, हमारे कार्यकर्ता अपने काम में लगे हैं, हमारे यहाँ पद यात्राएं निकल रही हैं, हमारे यहाँ वाहन रैलियां निकल रही हैं, हमारे लोग कार्यकर्ता लोग घरों में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं, कार्यकर्ता काम पे लगा है, और हम अपनी योजनाओं को जो हमने काम किया है 5 साल हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं कि हमने क्या काम किया है, हमारी जवाबदेही जनता से, जनता को जवाबदेही दे रहे हैं। मतलब आपको गठबंधन और ठगबंधन से मतलब नहीं, आप कह रहे हैं कि गठबंधन ही ठगबंधन है, आप हमेशा से ये करते हैं। चलिए दिलीप सिन्हा जी के पास में चलते हैं, कमेंट किया। दिलीप सिन्हा जी, आप सारा सिनेरियो देख रहे हैं जिस तरह से राहुल गांधी, नहीं ये खुद गठबंधन बना के है ना, नहीं ये तो तमाम दलों के साथ खुद गठबंधन में ही है। जी जी हाँ ठीक बात, बगैर गठबंधन के इनका कोई औचित्य नहीं है। ठीक बात है, चलिए दिलीप सिन्हा जी के पास। दिलीप सिन्हा जी, आपको क्या लगता है कि ये जो थर्ड फ्रंट की बात हो रही है क्या बन पाएगा, कैसे बन पाएगा, क्योंकि राहुल गांधी बहुत मजबूती से उभरे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी हालत खराब है, और जहां पर उनकी हालत अच्छी थी वहां पर उन्होंने सपा और बसपा को भाव नहीं दिया है, ऐसे में सपा और बसपा उत्तर प्रदेश में उनको भाव क्यों देगी? और प्रोफेसर रामगोपाल कह भी चुके हैं। दिलीप जी, थर्ड फ्रंट जी, जी प्रदीप जी, थर्ड फ्रंट का भविष्य उज्जवल है, गठबंधन तो तैयारी ही है, सापा बसपा को अगर छोड़ दीजिए सब एकजुट हैं। इस एकजुटता को तोड़ने के लिए भाजपा ने अभी 5 राज्यों के चुनाव में अपने नतीजे देख लिए हैं। जी वहां पर इन 3 राज्यों में जहां कांग्रेस जीती है 67 सीट्स है लोकसभा की, जिसमें 3 सीट्स पर केवल कांग्रेस है, बाकी 64 पर भाजपा है। अगर यही दुर्दशा रही तो 33 सीटें प्रभावित होंगी। जी ठीक है, पब्लिक को रिलीफ चाहिए, आश्वासन और फेक न्यूज से उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको रिजल्ट नहीं मिला, मोदी सरकार की बात गांव तक नहीं पहुंच पाई, वजह जो भी हो, और लगता नहीं है कि अब इस 4 महीने में कोई रिकवरी कर पाएंगे। चलिए बात नहीं पहुंचा पाए अपनी गांव तक और इसीलिए उनको एक खामियाजा उठाना पड़ा। ब्रेक का वक्त उचला है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बता दें कि हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के मोहम्मद हसन रूमी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर स्टूडियो से, हम सीधे उनके पास में चलेंगे। रूमी साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस में राहुल का कद बढ़ा, देश में राहुल का कद बढ़ा है 3 राज्य जिताने के बाद में, अब उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है, आप बिना मांगे समर्थन उनको दे रहे हैं, तो क्या लगता है लेकिन जब वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए आएंगे तो आपसे ज्यादा बार्गेन करेंगे ना, अभी तक आपकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा थी, कैसे बनेगा थर्ड फ्रंट, सवाल यही है। देखिए देश के अंदर जितने 5 राज्यों में चुनाव हुए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश की जनता ने ना माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को नकार के राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां थी, रूमी साहब वो बात हो गई है, आज हम बात करें थर्ड फ्रंट कैसे बनेगा, क्यों क्या क्या कहां पे थर्ड फ्रंट उत्तर प्रदेश में, जहां तक आपने बात की है गठबंधन की बार्गेनिंग की, तो हम बार्गेनिंग की पोजीशन में पहले भी थे, लेकिन हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक बहुत सौम्य तरीके से, सोफिस्टिकेटेड तरीके से राहुल जी को उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव में गठबंधन में लाए थे। उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने जो जिन 3 राज्यों में चुनाव जीते हैं वहां पर समाजवादी पार्टी के,
उम्मीदवारों के खिलाफ और हमारी मांगों को उन्होंने बहुत ही हल्के में लिया। तो सवाल रूमी तो निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश में जी, जब वो आएंगे तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर की जिस तरीके से उनकी पार्टी दूसरे प्रदेशों में, हमारी पार्टी का जनाधार है यहाँ पे, हमारी पार्टी की सरकारें रही हैं 27 साल से भी ज्यादा से, कांग्रेस को लोग यहाँ भूल चुके हैं। कांग्रेस का ना कोई जनाधार है उत्तर प्रदेश में, ना कोई यहाँ पर कांग्रेस, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकारों ने काम भी किया है। रूमी साहब, सवाल यही उठता है, तो ऐसे में जब आपका यहाँ जनाधार है, कांग्रेस का जनाधार है नहीं पिछले 28 साल से, बिल्कुल 29 साल से, तो सवाल ये उठता है कि ऐसे में गठबंधन बनेगा कैसे? अब गठबंधन कैसे बनेगा ये राष्ट्रीय स्तर की बात है, रहा सवाल बार्गेनिंग की, बार्गेनिंग पे अगर वो बार्गेनिंग करके उत्तर प्रदेश में गठबंधन की, महागठबंधन की बात करेंगे, तो जो वोट बैंक समाजवादी पार्टी का है, जिस वोट बैंक से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 3-4 सरकारें चलाई हैं और कांग्रेस को पूरी तरीके से वो वोट बैंक नकार चुका है, रहा अखिलेश यादव जी का जो विजन है, जो उनकी कार्यशैली है, जिस तरीके से उन्होंने सर्वमान्य एक तरीके से एक्सेप्टेंस हासिल किया है, ठीक है, उसको राहुल जी अभी नहीं एक्सेप्ट, चलिए उनको राहुल जी नहीं, कौन करेगा भाई? चलते हैं कांग्रेस के पास में, चलते हैं विशाल जी के पास में। विशाल जी, आपकी राहुल जी तो बनवास, उनका राजनीतिक बनवास खत्म हो गया, 3 राज्य उन्होंने जितवा दिए, लेकिन रूमी साहब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी उनका कोई जनाधार नहीं है, यहाँ तो हम ही राजा हैं, आप होते रहे कहीं दूसरे प्रदेश के राजा। देखिए प्रदीप जी, कौन अपने चश्मे से क्या देख रहा है वो उनका व्यक्तिगत बयान है, और दूसरी बात है कि हसन जी ने जिस तरह कहा कि 28 साल से हम नहीं है, तो देखिए तू मैं समय बर्बाद करने से अच्छा है इन फिरकाप्रस्त ताकतों के खिलाफ लड़ा जाए, क्योंकि आज जो 2017 में समाजवादी की स्थिति थी मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, आज वर्तमान में समाजवादी के कितने दड़े हो गए हैं वो मैं उसकी बात भी नहीं करना चाहता हूँ, आज ये कितने परसेंट में मजबूत हैं, कितने परसेंट में नहीं मजबूत हैं, ठीक बात। मगर हाँ, जब बात महागठबंधन की आती है तो हम भी अपने सारे गिले शिकवे भूल के महागठबंधन का धर्म का पालन करते हुए विशाल जी हम खुद ये जानते हैं, विशाल जी का नाम ले रहे हैं, विशाल जी गौड़ा जी के नेतृत्व में, विशाल जी आपने कहाँ पालन किया, आपने तो भाव नहीं दिया इन लोगों को, तीनों राज्यों में दोनों पार्टियों को भाव नहीं दिया आपने। देखिए जो गठबंधन होता है, जो सीट के बंटवारे होते, जी जी ऐसा नहीं है, अखिलेश जी से हम लोगों की बात फाइनल हो चुकी थी, मगर कहीं ना कहीं इनके ऊपर दूसरी पार्टी का भी ऐसा दबाव था, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए गठबंधन ना हो पाया, सीटों को बंटवारा ना हो पाया, वो बहुत बड़ा विषय मान लिया अखिलेश जी होते, तो हमारा तो इनका तो कमल जी से बात हो ही चुकी थी। मगर जहां तक बात अब वर्तमान में है, चाहे समाजवादी के गिले शिकवे हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बसपा के हो, मैं इन सबको विराम लगाता हुआ मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह माननीय अखिलेश जी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरह क्या कहते हैं कि अपना पार्टी को समर्थन देके महागठबंधन को जो फीता काटने का काम किया, ये जग जाहिर है, ये किसी से छुपा नहीं है। नहीं, वो तो पहले भी करते ना भाई, उत्तर प्रदेश विचारधारा के लोग हैं भाई, उत्तर प्रदेश में दो युवाओं को साथ पसंद नहीं है तो अखिलेश ने नारा दिया था, लेकिन आपने उनको भाव नहीं दिया, तो आप वो भाव नहीं आपको नहीं दे रहे, रामगोपाल जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में हम राजा है, हमारी चलेगी, ऐसे में कैसे बनेगा गठबंधन भाई, क्या है भविष्य उसका? चलिए इरफान जी के पास में चलते हैं। इरफान जी, देखिए राजा जहां तक राजा की, देखिए प्रदीप जी राजा की बात है तो लोकतंत्र में राजा जनता होती है जी, ठीक है ठीक है। इरफान जी के पास में चलते हैं। इरफान जी, आपने समाजवादी पार्टी की ताकत को आधा कर दिया है, विशाल राजपूत जी कह रहे हैं अब उनके पास समाजवादी पार्टी के पास ताकत ही नहीं बची है, तो ऐसे कैसे बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, तो राहुल बड़े हो गए ना। देखिए प्रदीप जी, एक बात ये तो स्पष्ट है और बिल्कुल ये क्लियर है कि आज की जो जब से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को शिवपाल जी ने जब से बनाया है, तो जो समाजवादी पार्टी थी वो अब पतनशील समाजवादी पार्टी हो गई, पतनशील, तो ये बार्गेनिंग पावर कम हो गई ना, रोज देख रहे हैं धीरे धीरे खसकता चला जा रहा है, और गठबंधन तो कहीं भी कोई किसी से भी हो सकता है, लेकिन महागठबंधन तब होगा जब उत्तर प्रदेश में श्री शिवपाल सिंह यादव जी को भी शामिल किया जाएगा जी, मगर शिवपाल सिंह यादव के कोई भी गठबंधन महागठबंधन नहीं हो सकता है। चलिए
पतनशील पार्टी हो गई, आपने कहते व्यक्त तो चला, ब्रेक का ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सीधे अनीता जी के पास में चलेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस महागठबंधन को ठग बंधन बना रही हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से इन पांच राज्यों में उनको हार मिली है, इस पर आत्म समीक्षा जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो सेमीफाइनल हाथ से निकल गया है और फाइनल भी हाथ से निकल जाए। ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। विडंबना यह है कि अभी तीसरा मोर्चा तैयार नहीं हो पाया है, लेकिन चौथे मोर्चे की कवायद भी तेज हो गई है। हम आपको बताते हैं, हालांकि आज हमारा चर्चा का विषय नहीं, लेकिन फिर भी हम अपने दर्शकों को अपडेट कर देते हैं, इस पर किसी दिन और चर्चा करेंगे। जो तेलंगाना में टीआरएस ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की है और उसकी वजह से एक उन्होंने चौथा मोर्चा बनाने की कवायद तेज कर दी है, ना वो भाजपा के साथ जाएंगे, ना वो कांग्रेस के साथ जाएंगे, बाकी के जो लोग हैं उनसे अलग हट के चलेंगे। कौन कौन होंगे उस पर वो भी हम आपको लिस्ट जरूर बता देते हैं। इसमें टीआरएस के साथ में बीजू जनता दल नवीन पटनायक उनके साथ में जा रहे हैं, वाईएस कांग्रेस के जगमोहन रेड्डी उनके साथ में होंगे, पीडीपी में दो हैं, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, एक पीडीपी। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो गठबंधन की तरफ जा रही है, लेकिन पीडीपी फोर्थ फ्रंट के साथ में जा रही है। आईएनएलडी हरियाणा वो भी फोर्थ फ्रंट के साथ जा रहे, वो थर्ड फ्रंट के साथ नहीं जा रही, यानी कि तीसरा मोर्चा अभी शुरू नहीं हुआ कि चौथे मोर्चे की कवायद तेज हो गई है। फिलहाल हम चर्चा करेंगे तीसरे मोर्चे की, तीसरे मोर्चे अनीता जी के पास में चलेंगे। अनीता जी, आपको क्या लगता है, आपको तो ठीक लग रहा होगा कि तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, जितने मोर्चे बने आपके लिए फायदेमंद है। नहीं, हमें ऐसा कोई नहीं है, ये लोग चाहे अलग अलग लड़े चाहे मोर्चे से लड़े, हमारी विचारधारा अलग है, इन लोग की विचारधारा अलग है, क्योंकि मतभेद है, हम लोग में मनभेद नहीं है। ये चाहे इकट्ठे होकर लड़े चाहे अलग लड़े, जनता का। और आप जो अभी पांच राज्य की बात कर रहे हैं, मानते हैं कि हमें हारे, लेकिन अनीता जी आपके यहाँ भी मनभेद नहीं, मतभेद भी है, मनभेद भी हो गए, मतभेद भी हो गए। आपके कैबिनेट मंत्री अमित शाह का योगी और मोदी को निशाने पर लिए रहते हैं, वाद भी कर रहे हैं कि जो बयान दिए गए उसकी वजह से 100 सीटें कम हो गई, तो आपके यहाँ भी दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं है जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए वहां का अगर उठा के रिजल्ट देखिए, उसमें वोट परसेंटेज हमारी काफी अच्छी आई है, लेकिन हमें सीटें भले कम है। दूसरा, हमारा जो नोटा में वोट काफी चला गया। तीसरी चीज ये है कि वहां के सीएम से लोग नाराज थे, रानी साहिबा से लोग नाराज थे, इस वजह से थोड़ी देर। और राजस्थान का एक इतिहास भी रहा है, एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी, 90 से लेकर आज तक का इतिहास वही रहा है। और बाकी अनीता जी, राजस्थान का तो ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ जी? हम यही कह रहे हैं ना, हम बता, छत्तीसगढ़ बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हमारी हार मानते हैं, वहाँ के क्षेत्रीय कोई प्रॉब्लम्स थी, वहाँ के लोग मंत्री से, मुख्यमंत्री से कुछ लोग नाराज थे, इस वजह से ऐसा हुआ। कुछ हमारे कार्यकर्ता नाराज थे, उस वजह से ऐसा, क्योंकि नोटा को काफी हद तक वोट मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जनता ने हमको वोट नहीं दिया है। नोटा को मात्र 1.5% वोट मिला है। देखिए, एक जगह आपने उत्तर प्रदेश भी चुनाव देख लीजिए, बिहार भी चुनाव देख लीजिए, पूरा सुपड़ा साफ हुआ है इन लोगों का। वहाँ पे कम से कम आप देखिए, कांग्रेस का जहाँ जहाँ हुआ है, तो ऐसा नहीं उनको 2-3 सीटें पानी मुश्किल हो जाती है, लेकिन हम लोग बराबर फाइट में, बराबर फाइट में थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सरकार उनकी चल रही थी, आप फाइट में है नेता जी, है कि थोड़ी नाराजगी रहती है, जनता को थोड़ी नाराजगी रहती है, लेकिन प्रेम स्नेह बराबर मिला। हाँ बिल्कुल, बहुत प्रेम मिला, लेकिन सरकारें कांग्रेस के विशाल राजपूत जी के बाद, विशाल राजपूत जी हमने आपको लिस्ट अभी गिना दी, केसीआर के नेतृत्व में चौथा मोर्चा भी बन रहा है, आप तीसरे मोर्चे को संभाल नहीं पा रहे, सबसे बड़ी पार्टी है देश की, नेशनल पार्टी है, तीसरे मोर्चे को आप बना नहीं पा रहे, चौथे मोर्चे की लोगों ने कवायद तेज कर दी है, कैसे संभालेंगे पूरा कुनबा ये? राजपूत जी, देखिए प्रदीप जी, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के बिना सत्ता में आना ये बहुत बड़ी बात है,
क्योंकि जब इससे पहले संयुक्त मोर्चा की सरकार माननीय देवगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री बनाए गए थे तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने अपना बाह्य समर्थन दिया था। हाँ, ठीक बात। और आज जो हालात हैं देश के, तो चाहे वो चाहे जम्मू कश्मीर से लेके केरल की बात है और चाहे गुजरात से लेके आप असम तक की बात कर लीजिए, आज जो आम जनमानस, क्योंकि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी होगी या कोई भी पार्टी का लीडरान होगा वो आम जनमानस के हिसाब से ही अपने भविष्य का फैसला भी करेगा। क्योंकि ये बात जान लीजिए कि आज जो किसान है, युवा है, महिला है और व्यापारी है, सब परेशान है। तो आज जो सारा जो महागठबंधन है, महागठबंधन का जो मेन मुद्दा है वो यही है कि वर्तमान में जो देश के हालात बना के रख दिए गए हैं इस देश की सरकार को बदलने के लिए, और आप देखिएगा भी भविष्य में भी जो सबसे ज्यादा यदि मजबूती से सामने कोई खड़ा होगा तो यूपीए खड़ा होगा। नहीं नहीं, वो ठीक है, कुल मिला के अभी तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी विशाल जी बहुत जल्दबाजी है पंडित जी। विशाल जी, हमारा सवाल सीधा विशाल जी, हमारा सीधा सवाल आप तो यही था कि आप गठबंधन को संभाल नहीं पा रहे, तीसरा मोर्चा संभाल नहीं पा रहे, चौथा मोर्चा कैसे संभालेंगे? इरफान जी के पास में चलते हैं। भाई इरफान जी, ये अभी तीसरा मोर्चा बनाने की चौथा मोर्चा बनने की कवायद तेज हो गई है। इरफान मलिक जी देख जी, देखिए प्रदीप जी, एक बात मैं, जिसका सपना बड़ा होता है और जिसका लक्ष्य बड़ा होता है उसको दिल भी बड़ा करना चाहिए। ठीक बात जी। तो दिल बड़ा करके भाई और सबको कहीं ना कहीं से एक साथ ला करके और इसका नेतृत्व करके उस पर बात करना चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। ये जिम्मेदारी कांग्रेस की है, कांग्रेस की जिम्मेदारी है भाई। हम उनके पास आज की परिस्थिति में जिम्मेदारी कांग्रेस के, अगर कांग्रेस का लक्ष्य बड़ा है, कांग्रेस अगर सरकार बनाना चाहती है दिल्ली में, तो सारे लोगों को बैठा करके बात करके और उसका दिल, अपना दिल बड़ा करना चाहिए, बड़ा करना पड़ेगा। दिलीप सिन्हा जी के पास, दिलीप सिन्हा जी, मेरा सवाल आपसे भी वही है, तीसरा मोर्चा बना नहीं है, चौथे मोर्चे की कवायद तेज हो गई है। तो ये तो आखिर तक चलता रहेगा ना, कौन आता है कौन जाता है जी, सब स्वार्थ प्रेरित है, समझ रहे हैं आप। और यूपी में सापा और बसपा की बार्गेनिंग पावर खत्म हो गई है, अब उनको कांग्रेस वैसे भी इन दोनों पार्टियों को क्षेत्रीय पार्टी मानती है, अब राहुल की शर्तों पर ही सापा और बसपा से कुछ हो सकता है बातचीत, अन्यथा ये लोग बैक फ्रंट पे चले गए। चलिए चलिए चलिए, हमारे साथ मोहम्मद हसन रूमी साहब है। रूमी साहब कह रहे हैं कि अब आपको सारी सत्य माननी पड़ेगी, कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बिल्कुल खत्म हो गई। देखिए, जहां पर सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने की बात है, बिल्कुल सम्मानजनक तरीके से अगर कोई गठबंधन होता है तो सारी पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व उस पर गौर करता है। जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी जो हठधर्मी का सबूत दिया, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उसके बावजूद भी दो कदम आगे बढ़कर बिना किसी शर्त के, बिना किसी मांगे हुए, उन्होंने सारी सेकुलर फोर्सेस को इकट्ठा कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एक तरफ सांप्रदायिक पार्टी कह रहे हैं और दूसरी तरफ जो है सांप्रदायिक पार्टी से लड़ने वाली कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। देखिए, ऐसे गठबंधन में घुसेंगे तो कांग्रेस भी हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती है। जहां तक बात सांप्रदायिक, ये जिम्मेदारी नहीं, ये जिम्मेदारी किसकी बी टीम है भाई? दिलीप जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, दिलीप सिन्हा जी, रूमी साहब वरिष्ठ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है, प्रवक्ता है। हाँ। और कह रहे हैं कि भाई बी टीम नहीं, हम तो भाई समाजवादी पार्टी ने हमेशा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को खत्म किया, नेस्त नाबूद किया भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के भी आप टीम को कोई भी नाम दे दें, आपके दे देने से आपने भी ज्यादा लालची पार्टियां हैं, ऐसा है, ऐसा है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि जानते थे कि अगर हम हमारी पार्टी के साथ चले जाएंगे तो राष्ट्र, नहीं नहीं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमेशा हमेशा भी उन्होंने कहा कि हम सेक्युलर फोर्सेस को इकट्ठा करने के लिए किसी भी कुर्बानी को देख सकते हैं। रहा सवाल कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार जब नहीं था, जब भी हमारी पार्टी के नेतृत्व ने उनको अपने गठबंधन में शामिल किया, उसके बावजूद भी तीन प्रदेशों की सरकार, जब चुनाव हुआ सरकार बनने लगी और उसमें कमी आई तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने दो कदम आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और कहा कि बिना शर्त हम समर्थन दे रहे हैं। चलिए, अब आगे भविष्य में
भविष्य में जहां तक भविष्य की बात है, दो तरह के गठबंधन होते हैं, एक प्री पोल और एक पोस्ट पोल। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री रहते हुए गठबंधन उन्होंने किया था कांग्रेस से, लेकिन उसके बावजूद आज विपक्ष की भी देखिए ऐसा है जब उन्होंने गठबंधन किया था। अरे हसन जी, पहले अपने परिवार को संभालिए, पहले पार्टी को संभालिए। देखिए अब हमारा परिवार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश का जनाधार है। परिवार हमारा परिवार अब कोई परिवार नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो जनाधार है वही हमारा परिवार है, जिसको आप परिवार कह रहे हैं। हमारे परिवार में लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुपालन किया गया है, जिसने जहाँ जो पार्टी बनाना चाहे बना ली। घुसा हुआ है चलते दिलीप जी, परिवार कोई निजी स्वार्थ नहीं है मेरे ना। हजर नुबिजा दिलीप जरा विशाल जी के, विशाल जी आप लोग हट धर्मता दिखाते हैं, आप लोग हाँ बोलिए, आप लोग सम्मान नहीं देते हैं क्षेत्रीय पार्टियों को, हट धर्मता दिखाते हैं। यही कारण है कि क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने हिसाब से काम कर रही हैं। और एक खबर और आपको बता दें, आपकी तीन जगह सरकारें बन गई ये बात अलग है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों का रुतबा भी लगातार बढ़ रहा है। हम आपको आंकड़े भी बता देते हैं, 2012 में छह क्षेत्रीय पार्टियां जीती थी, छह राज्यों में सरकार थी। हाँ 2017 में घट करके पांच हो गई, लेकिन अब वर्तमान में बढ़कर के आठ हो गई हैं। आठ क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनकी सरकारें हैं, और आप क्षेत्रीय पार्टियों को बता रहे की वो लिफ्ट नहीं देते हैं। हसन रूमी जी का ये आरोप है। विशाल जी देखिए, प्रदीप जी, प्रदीप जी, कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टी को कितना सम्मान देती है वो 2017 के चुनाव में दिख गया था कि हम लोग ने 75% सीटों पे समाजवादी पार्टी को लड़ने का मौका दिया। मुझे मौका दिया। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी का दिल बड़ा करने की बात है, तो आप देखिए समाज उत्तर प्रदेश में हमने अपना धर्म गठबंधन धर्म का पालन किया, और कर्नाटक में भी दिल बड़ा करके हमने जेडीएस को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। देखिए 2017 की आपने बात की, जहां तक बात रही 2017 में जो अगर सुन लिए विशाल जी, विशाल जी 2017 में जो गठबंधन का जो खाका जो रोड मैप बना था उसके खिलाफ जाके कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने काम किया, धोखेबाजी की। मैं स्वयं एक गठबंधन का उम्मीदवार था और मेरे साथ धोखेबाजी की, इत्तेफाक से मैं स्वयं था। आपको 58 और 52 सीटों पर लड़ना था, फिर आपने 105 सीटें कराई और 114 सीटों पर लड़े। आप लोग आपकी पार्टी ने जो धोखेबाजी की, उस धोखेबाजी का नतीजा यह हुआ कि आप 7 पर रह गए हमारी पार्टी के गठबंधन के बाद। और आप कह रहे हैं कि हमारा दिल आपके में सिटिंग के लिए फार्मूला था, आपने 105 सीटें मांगी, 52 सीटों की जगह 105। हसन भाई का, रूमी भाई का जो है, प्रदीप जी रूमी भाई का जो है, ये व्यक्तिगत बयान होगा, ये व्यक्तिगत बयान नहीं है। मुझे मालूम है गठबंधन की, इरफान जी मुझे मालूम है गठबंधन का फार्मूला क्या था। जो पार्टी का फार्मूला था वो मैं बता रहा हूँ, व्यक्तिगत कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं जी। विशाल जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ विशाल जी, आप फार्मूला मत बताइए। क्यों ना बताऊं, क्यों ना बताऊं, मुझे मालूम था जो वो मैं बताऊंगा। आप लोग से जो धोखेबाजी हुई वो तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है ना। आपने 150, सुनिए मैं पुरानी बातों पे नहीं जाना ये चाहता बात हूं। नहीं जाता हूं, मैं पुरानी बातों पे नहीं जाना चाहता हूं। और ना मुझे बातों में पुरानी से आगे की बात होती है, वर्तमान पुरानी बातों से तो आगे की बात चलती है। लड़ाई आप अपने घर में सुधार जाइए भाई, पुरानी बातों होते हैं प्रकार की एक भी टिप्पणी नहीं की है भाई। विशाल को भी अधिकार बड़े चैनल पर बैठ के टिप्पणी करने का नहीं है। विशाल जी चलिए, विशाल जी सवाल ये बोलने से पहले विशाल जी से पूछिए कि चैनलों पे जाके क्या बोलना है। विशाल जी ये बात नहीं है, वो सब पूछ जाते हैं आप। विशाल जी सब पूछ जाते हैं, बोल रहा हूं ना, ये आरोप मत लगाइए। विशाल जी सवाल यही है कि जब आप उत्तर प्रदेश में इतने कमजोर थे, बिहार में इतने कमजोर थे, उसके बावजूद भी आपको ज्यादा सीटें दी गई, तो क्यों नहीं आपने इन तीन राज्यों में इन लोगों को सीटें दी? क्यों आपने हठधर्मता दिखाई? देखिए जहां तक गठबंधन धर्म का जो पालन होता है, जितनी शर्तों पे इन लोग ने उत्तर प्रदेश में जो हम लोग की सीटों का गठबंधन हुआ, हम लोग ने ईमानदारी से लड़ा और कम सीटों पे भी लड़ा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मध्यप्रदेश की बात हो चाहे राज्य हो, चलिए मध्यप्रदेश राजस्थान में औसत्या से अधिक कोई, मैं अपना हम लोग ठीक है, ठीक है, हम लोग अपना संगठन ठीक है, ठीक है। विशाल जी आपकी बात आगे जरा अनीता जी के पास चलते हैं, ठीक है, ठीक है। 52 सीटें आपको मिल रही है। हसन जी हम जरा अनीता जी से फाइनल कमेंट ले रहे हैं, उनको जाना है कहीं, उनके काम है उनको। अनीता जी आपका फाइनल कमेंट।
अरे हसन जी आप मत बोलिए, ना ना ये मत करिए विशाल जी, मत बोलिए करने का मतलब है। बोलने के लिए बैठा हूं, नहीं बोलेंगे, मैं बोलने के लिए बैठा हूं विशाल जी, मैं मुंह पर टेप लगाने के लिए नहीं बैठा हूं यहां पे जी। देखिए हमारी सरकार, हमारी मोदी सरकार, हमारी योगी सरकार जनता के हित के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है, शिक्षा के लिए काम कर रही है और एक जमीन के स्तर पे काम कर रही है। नहीं तो सवाल उठता कि राजनीति पांच राज हार क्यों गए, जनता का प्रेम से हमारे साथ है, हम अपना कार्य कर रहे हैं, कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं और हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। और ये इनका गठबंधन होता है या क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी को देश का पहचान चुका है अनिता जी, और इनकी आज से इनका बीजेपी ध्यान का प्रोग्राम चालू हो गया। आप बोल रहे थे, हम नहीं बोले, बीच में कम से कम मर्यादा रखी जी। अनिता जी सवाल आखिरी सवाल ये उठता है कि जब आप सबका साथ सबका विकास कर रही हैं और सब सारी योजनाएं आप जनता के लिए बना रही हैं, तो जनता ने आपको वहां से नकार क्यों दिया? देखिए मैंने आपसे कहा हुआ जनता ने नहीं निकाला है, जनता से प्रेम से बराबर बना रहा है, केवल हम कुछ वोटों से कुछ सीटों से पीछे रहे हैं। चलिए कुछ जनता ने, जनता का ये बात सही, हमारे 15-16 साल से वहां पे, देखिए 15-16 साल से सरकार चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराजगी होती है, वो उन्होंने नाराजगी दिखाई है, ऐसा नहीं है, ऐसा ना हो लोकसभा में भी थोड़ी सी नाराजगी दिखाई है नेता जी, ये डर है, ये देश का चुनाव है, सबकी समस्याएं अपनी। अनिता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सेंट्रल की, अनिता जी सेंट्रल में और स्टेट में जमीन आसमान का फर्क होता है। अनिता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनिता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जाते जाते एक बात सुन लीजिए, कहीं ऐसा ना हो ये थोड़ी सी नाराजगी आपको लोकसभा में भी भारी पड़ जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी नाराजगी पर काफी चेंजेस कर देती है। वक्त तो चला ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा जारी रखेंगे, और अनीता जी को कहीं जाना हुआ है और इसलिए उनका फाइनल कमेंट आ गया, वो जा सकती हैं। अनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और हम अपने सभी मेहमानों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, मात्र 3-3.5 से 3 मिनट बचे हुए हैं, इसलिए हम छोटा छोटा कमेंट चाहेंगे जिससे कि हम अपने कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ सकें। सबसे पहले हम हसन रूमी जी के पास में चलेंगे। हसन रूमी जी कैसे बनेगा थर्ड फ्रंट? देखिए थर्ड फ्रंट जब भी बनेगा जी, जब राष्ट्रीय पार्टियों के सामने जो भी प्रस्ताव क्षेत्रीय पार्टियों का हो तो उनकी क्षमता के हिसाब से उनको सम्मान देंगे, उनकी बात सुनेंगे। निश्चित रूप में हर कोई भारतीय जनता पार्टी की हठधर्मी से, इसकी फासिस्ट नीति से, इस जिस तरीके से सारी एजेंसियों का दुरुपयोग इन्होंने किया, हालांकि इससे पहले कांग्रेस ने भी किया लेकिन इतना भद्दा दुरुपयोग कभी नहीं किया, ये सारी चीजों से लड़ने के लिए सारे सारे राजनीतिक दलों को एक प्लेटफॉर्म पे आना समय की पुकार है जी। मगर हमारा आपके पैनल में बैठे हुए चैनल में जितने भी हमारे कांग्रेस के साथी हैं या जो और भी पार्टियों के हैं, ठीक है उनसे भी ये कहना है कि आप लोग पास्ट की जो बातें हैं उनको जानकर प्रेजेंट की बातों पर अगर आप लोग व्यक्तित्व देंगे तो सही व्यक्तित्व आएगा। विशाल जी आपका फाइनल कमेंट, कैसे बनेगा गठबंधन? देखिए इसमें जो आम जनमानस की आवाज को हम लोग उठाते हुए जो हम लोग ने महागठबंधन की जो शुरुआत की है, मैं आपको बताऊं 2019 में उसका स्वर्णिम भविष्य है, और आने वाला समय महागठबंधन का समय है, यूपीए का समय है, और मैं इसके लिए शुभकामनाएं भी आपके चैनल के माध्यम से बहुत सुंदर शुभकामनाएं देते हैं, यानी कि थर्ड फ्रंट बन गया, चौथे मोर्चे का क्या होगा? इरफान मलिक साहब आपका फाइनल कमेंट। बिल्कुल प्रदीप जी, मैं थर्ड फ्रंट बनना चाहिए और तमाम पार्टी के लोगों को एक साथ बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के ये कुशासन से मुक्ति अगर पाना है तो इसको बनना चाहिए। और इसमें एक बात मैं बहुत फिर स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में बगैर श्री शिवपाल सिंह यादव और बगैर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कोई भी गठबंधन महागठबंधन नहीं हो सकता है, इस चीज का ध्यान सबको रखना पड़ेगा। चलिए एक और एंगल जुड़ गया। आप सीधे दिलीप जी आपका फाइनल कमेंट, आपको क्या लगता है जो इतनी उठा पटक चल रही है ऐसे में तीसरा मोर्चा कैसे बनेगा, क्योंकि सबकी हठधर्मिता सामने आ रही है, सबकी बार्गेनिंग पावर बढ़ी हुई है? समय हो तो बलवान, कांग्रेस की शर्तों पर ही गठबंधन बनेगा, क्योंकि लोग भाजपा सरकार से ऊब चुके हैं, भाजपा सरकार को हटाना चाहते हैं, ये चुनाव
भाजपा वर्सेस जनता है, पार्टी की नीतियां सब किनारे हो गई हैं, जनता त्रस्त है, भ्रष्टाचार का पता नहीं है, विकास का पता नहीं है, रोजगार का पता नहीं है, कैसे चुन लेगी 19वें इनको। चलिए लेकिन बात यह है कि थर्ड फ्रंट कैसे बनेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि हठ धर्मता जो दिखा रहे हैं वो हट धर्मता के चलते ये थर्ड फ्रंट कैसे बनेगा। राम गोपाल यादव कह चुके हैं आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपको बता दूं कि थर्ड फ्रंट की अभी बात शुरू नहीं हुई कि चौथे मोर्चे की बात भी शुरू हो गई है। खैर, चौथे मोर्चे की हम बाद में बात करेंगे। तीसरे मोर्चे की अगर हम बात करें तो तीसरे मोर्चे में तमाम तरह की अड़चने सामने दिखाई दे रही है। हालांकि सारी पार्टियां एक बात पे तो सहमत जरूर है कि किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, मोदी को हटाना है। एक सूत्री कार्यक्रम उनका यही है और यही कारण है कि सब लोग अपने ईगो छोड़कर के ज्यादातर लोग इसमें आ रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें होनी बाकी है। कैसे होगा ये, कैसे हट धर्मता छूटेगी, क्या ये हट धर्मता छोड़ करके सारे लोग एक साथ आ पाएंगे, क्या होगा थर्ड फ्रंट का भविष्य, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आप के न्यूज इंडिया।